वेस्ट इंडीज़ की लोएस्ट रैंक की टीम ने इंडिया की टॉप रैंक टीम को 3-2 से हरा के सीरीज अपने नाम कर लिया। हिंदुस्तान ने 165 रन बनाए जिसे विंडीज की टीम ने मात्र 2 विकेट खोकर 171 रन बना लिए। भारत की तरफ से सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही 61 रन बनाकर कुछ संघर्ष कर सके। विंडीज के निकोलस पूरन और ब्रेंडन किंग ने 107 रन की पार्टनरशिपिंग की और रोमारियो सेफर्ड ने 4 विकेट लेकर भारत की कमर तोड़ दी। भारत की इस हार से वर्ल्ड कप की संभावनाओं को काफ़ी निराशाजनक लय प्राप्त करने का वो लक्ष्य मिला है। भारत निश्चित रूप से वर्ल्ड कप के दावेदार से बाहर होती जा रही है। भारतीय टीम जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा को आराम देकर उनका लय तोड़ने का काम कर रही है, वहीं अनुभवहीन और कमजोर गेंदबाजी तथा बिल्कुल अनुभवहीन बल्लेबाजी क्रम, अनुभवहीन गेंदबाजी क्रम तथा सीनियर खिलाड़ियों का न होना भारतीय टीम पर भारी पड़ेगा।